लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैम, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, जो आप ज़्यादा बार गाते हो, एक लाइन सुना सकते हो? मेरा भोला है भंडारी, गरी नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे हो शंभुनाथ रे महादेवा। थैंक यू मैम। तो हे गाइस, तो फिर से हाजिर आपके चैनल ट्विंस व्लॉगर सिरई और एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम आए हैं माधवी होटल, जो हमारी शुरुआत हुई थी सेकंड व्लॉग से, इसी होटल से। आज हम मिलने आए आशा वैष्णव जी से, जो राजस्थान के जाने माने भजन सम्राट हैं, और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत प्रिय है, और हम भी जब छोटे से सबसे सुन रहे हैं। आज हमें मौका मिला है, यहाँ पे प्रकाश भाई है, उन्होंने हमें बुलाया और आशा वैष्णव जी से मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है कि हम उनसे हम मिल रहे हैं, और आप इसी व्लॉग में बने रहना। तो गाइस, इस वीडियो में आप बने रहना, और आपको बताएंगे आशा वैष्णव जी के बारे में कि उन्होंने, और ये इनकी आवाज़ बहुत बुलंद है। तो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना। तो भाई, क्या नाम है तेरा? रवि भी आए हमारे साथ, और ये भी आशा जी वैष्णव को मिलने आए। अभी हम आए माधवी होटल, और यहाँ पे आ रहे हैं आज आशा वैष्णव, जो राजस्थान के जाने माने प्रसिद्ध सिंगर है, और ये होटल है, वहाँ पे अभी आएंगे। पूरा व्यू है होटल का। अभी पधार रहे हैं आशा वैष्णव जी इसी होटल पे, तो उनसे आज हमारा मीटअप है, तो आपको वीडियो में पूरा बताएंगे। वीडियो बने रहना। तो राजस्थान के जाने माने सिंगर है आशा वैष्णव जी, उनकी गाड़ी है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। भी आप लोग मुझे इतना ही प्यार दे रहे हो, बस ऐसे ही धीरे धीरे मेरे करियर की शुरुआत हुई, और अभी भी आगे कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छे भजन गा पाऊँ आप लोगों को, भक्ति के द्वारा मैं भगवान से प्रभु से मिला। तो मैम, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, जो आप ज़्यादा बार गाते हो, एक लाइन सुना सकते हो? करियर की शुरुआत मेरे शंकर भगवान के भजन से है, माजी सा के भजन। माजी सा के भी मुझे मेरे पर असीम कृपा रही है, तो शंकर भगवान के भजन दो लाइन आपको गाना सुना रही, सिर्फ दो लाइन। हो मेरा भोला है भंडारी, गरी नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे हो शंभुनाथ रे महादेवा। थैंक यू।
नहीं था, मैं हर जगह कोई भी प्रोग्राम था उनका प्रोग्राम अटेंड कर ही लेता था। धीरे 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 मैं उनके साथ जुड़ा, उनके साथ हमारे फैमिली रिश्ते भी बन गए। फिर मैं उनकी सारी सोशल साइट्स पे वगैरह उनकी मैनेजमेंट जो भी था वो मैं कर लेता था, और आज मैं उनका एक ग्रुप का एक सदस्य हूँ, ग्रुप का हिस्सा हूँ, और वो ऐसे ही वो सिलसिला आज तक चल रहा है। तो थैंक यू सो मच प्रकाश जी, आपने हमें मिलवाया आशा वैष्णव जी से, और हमें बहुत अच्छा लगा, पहली बार मिले हम उनसे, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। मतलब जैसे जैसे दिखते हैं उससे भी बहुत अच्छे हैं आशा वैष्णव जी। वो स्वभाव से, मतलब स्वभाव से सरल स्वभाव के हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं जैसे अपने परिवार के सदस्य हो। तो थैंक यू सो मच प्रकाश भाई साहब, आपने हमें इन्वाइट करा और बहुत अच्छा लगा हमें आज मैडम से मिलके, और जैसा हमने सोचा था इससे कई ज़्यादा गुना अच्छे इंसान है। तो उनका भी थैंक यू सो मच और आपका भी थैंक यू सो मच, हमें इनवाइट करा, सपोर्ट मिले, बहुत सपोर्ट करते हैं, जब उन्होंने खुद कॉल करके हमें बुलाया और मिलवाया, तो थैंक यू सो मच।